हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो अपना टॉपिक है वो है उपभोक्ता से रिलेटेड है। मतलब हर आदमी, हर इंसान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उपभोक्ता होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रिशियन हो, इंजीनियर हो, सेल्समैन हो। हर आदमी कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उपभोक्ता होता है। अब मैं इस टॉपिक की क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि जनरली हर जो सभी लोग उपभोक्ता होते हैं और ये वीडियो सभी के लिए ज़रूरी होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे उपभोक्ता और जो वेंडर होते हैं उनके, मतलब ये चीज़ मैं लेके क्यों आया, सबसे पहले जो हमारा जो रीज़न है, जो मतलब टॉपिक है, उसका जानने का ये रीज़न कि इस आज टॉपिक में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब उपभोक्ता होते हैं तो जो हम को जब किसी को कोई किसी भी मूल्य की अगर कोई चीज़, मतलब उसको मूल्य चुकाते हैं, तो हम उसके बदले में उससे कोई सेवा लेते हैं या उससे कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका भी दायित्व होता है कि जो मूल हम उस मूल्य हम उसको अदा करते हैं, उस मूल्य के बराबर हमें कोई सेवा प्रदान करे, उसी को हिसाब से मतलब जो मूल्य होता है उसके हिसाब से हमें कोई सेवा प्रदान करे या कोई वस्तु प्रदान करे, उसकी जो क्वालिटी होती है वो उस मूल्य के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा ज़्यादा ले ले और जो क्वालिटी होती है उस प्रोडक्ट की या उस सेवा की वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का होता है। तो इन सब चीज़ों, इसलिए ये उपभोक्ता से जुड़े होते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक मामला, यही दिल्ली का है, तो उसमें एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका लैंडलाइन होता है और वो 149 जो उपभोक्ता के जो मिसेज होती हैं उनके नाम से, मतलब वो वोडाफोन का सिम होता है और उनके नाम से क्या नाम है, 149 रुपये का प्लान चल रहा होता है, वो भी पोस्ट पैड होता है। क्या होता है, कंपनी क्या करती है, 4,000 का उनको बिल भेज देती है। अब पोस्ट, ये आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा पोस्ट पेड और प्रीपेड होता क्या है। पोस्ट पेड वो होता है जिसमें आप पहले प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप सेवा यूज़ करते हो, बाद में आपको बिल मिलता है, जिसमें SMS, इंटरनेट सारी चीज़ें यूज़ करते हो। प्रीपेड क्या होता है, जितने का आप रिचार्ज कराओगे उतना ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे, वो चीज़ ख़त्म होने के बाद में आपको दोबारा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। दोनों में ये फ़र्क होता है। अब बढ़ते हम आगे, तो जब वो 5,000 का मतलब 149 रुपये का जिनका प्लान होता है उसमें 5,000 4,000 के आसपास, 4,000 के आसपास बिल भेज देती है कंपनी। अब जब उनको बिल मिलता है तो थोड़ा वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि देखिए हमारा तो 149 रुपये का प्लान है और ये क्या नाम है, 4,000 का किस हिसाब से बिल आ गया। बाद में वो चेक कर जब इनवाइस चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है जो ISD कॉल होता है, 3,816 रुपये का उनका ISD कॉल का चार्जेस लगा होता है, जो कि उस पर उनकी ISD कॉल की जो सेवा होती है वो एक्टिव ही नहीं होती है, तो वो बिल जमा नहीं करते। और बाद में जब कस्टमर केयर पर बात करते हैं तो एक आध दिन का टाइम लेते हैं, 15 दिन का टाइम लेते हैं और कस्टमर केयर वाले गोल गोल घुमाते रहते हैं। बाद में क्या होता है, वहाँ से कोई अस्थाई रिलीफ नहीं मिलती है। फिर जो उपभोक्ता होता है वो उपभोक्ता कोर्ट में जाता है, जो अपना कंज्यूमर कोर्ट होता है वहाँ पर जाते हैं, और कोर्ट आधा बिल पे करने के लिए, 50% पे करने के लिए, मतलब कहती है 1,608 रुपया पे करने के लिए बोलती है, जो उसका 50% होता है। अब उसमें जब आधा पैसा पे कर देते हैं, वो कहती है 15 मतलब एक हफ्ते के अंदर इस सिम को चालू कर दिया जाए, इसमें जो भी सेवा एक्टिव थी उसको एक्टिव कर दिया, मतलब जो भी सेवा पहले थी उसको रिस्टोर कर दिया जाए, यानी पहले वाली सेवा दोबारा चालू कर दिया जाए। लेकिन सिम तो चालू कर देते हैं लेकिन जो सेवाएं पहले लागू होती हैं उनको रिस्टोर नहीं करते हैं, और फिर दोबारा ये जो उपभोक्ता आते हैं कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, दोबारा फिर अपील करते हैं कि सेवा क्या कहते हैं हमारी चालू नहीं की गई है। फिर कंज्यूमर कोर्ट क्या करता है, जो वोडाफोन के MD होते हैं उनको नोटिस करता है और फिर उनको तकरीबन 97,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें 15,000 रुपया जो उपभोक्ता होता है उसका कोर्ट का मतलब खर्चा लगता है केस को लड़ने का, और सारी चीज़ें जोड़कर 97,000 रुपया दिया जाता है, कोर्ट उनको दिलवाती है। तो कहने का मतलब, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप कोई दवा खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, अगर उसमें क्वालिटी या किसी चीज़ में अगर कमी आती है, वो एक्सपायरी दवा अगर आपको बेचते हैं, तो सबसे उन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने वाली बात ही होती है। आप उन चीज़ों को लेकर
आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, शुरुआत में आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं और शुरुआत में आपको पैसा अपने जेब से लगाना होगा, लेकिन बाद में आप उसको रिकवरी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और कोर्ट आपकी इसमें मदद भी करेगा। और अब ये चीज़ तो आप समझ में आ गए, समझ में आप लोगों के आ गया होगा कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम रही बात कंज्यूमर कोर्ट को, तो इनको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, नंबर दो स्टेट कंज्यूमर फोरम और नंबर तीन नेशनल कंज्यूमर फोरम। सबसे पहले बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहाँ पे 1 करोड़ तक का मामला को आप डाल सकते हैं, और जो स्टेट लेवल का होता है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामला जो भी होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, वहाँ पे आप याचिका डाल सकते हैं। जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट होता है वहाँ पे आप 10 करोड़ से ज़्यादा के मामले जो होते हैं वहाँ पे आप डाल सकते हैं याचिका, और आपकी सुनवाई होगी और आपको पक्का रिलीफ मिलेगा। तो ये थे आपके जो क्या नाम है कंज्यूमर के जो उपभोक्ता जो होते हैं उनके अधिकार के बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहले देखिए जानना जरूरी होता है कि आपके अधिकार क्या हैं, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं जानोगे तो आप वो चीज़ की मांग, अपने अधिकार को नहीं जानोगे तो मांग नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत सी ऐसी सारी सुविधाएं होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती है और जिस कारण से लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और जनरली आए दिन क्या होता है देखने के लिए ये मिलता है कि उनको कैसी भी चीज़ें होती हैं, पैसा देते हैं, उनको अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिल पाते, मिलते हैं तो घटिया लेवल के मिलते हैं। इससे जो कंपनियाँ होती हैं, जो वेंडर होते हैं, वो दिन रात चौगुना बढ़ते रहते हैं, और जो उपभोक्ता होता है वो वहीं के वहीं रह जाता है। बल्कि वो और गलत चीज़ यूज़ करने की वजह से क्या होता है, वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार होता रहता है। और इसके अलावा मेरे पास कुछ पॉइंट और है, जैसे हैदराबाद का एक मामला था जिसमें जो वेंडर होता है वो एक उपभोक्ता को 1,41,770 रुपये का गलत वो बिल भेज देता है। बाद में जब उस पे उपभोक्ता जो होता है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाता है कंप्लेन करता है, तो वहाँ पे उसको 50,000 रुपये का मतलब उस वेंडर को जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे चंडीगढ़ सेक्टर 9 का भी मामला ऐसा ही कुछ है, जहाँ पे उल्टे पुल्टे बिल भेजने के उसमें क्या कहते हैं जो जियो कंपनी होती है वो उल्टे पुल्टे बिल भेज देती है, प्लान कुछ और होता है उसमें बिल ज़्यादा का लगा के भेज देती है, उसको वहाँ कंपनी को 35,000 रुपया जुर्माना देना पड़ता है। तो कहने का मतलब जब आप अपनी अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे तो कोर्ट कानून सब आपके साथ होगा और आपकी हेल्प करेगा, लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा आपका अधिकार, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे वीडियोस देखिए और ऐसे जो आर्टिकल होते हैं पढ़िए, और ताकि आप अपने अधिकार को जान सकें और उसके लिए लड़ सकें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।